जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्टल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सीतापुर सहित समूचे उत्तर प्रदेश में इन दिनों बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। केवल जिलों के नाम बदलते जाइए, हर जगह आपको बिजली का हाल एक जैसा ही मिलेगा। एक और पड़ रही उमस भरी भीषण गर्मी और इस बीच अंधाधुंध विद्युत कटौती के आवाम को ही नहीं बल्कि माननीयों को भी बेहाल कर दिया है। बिजली कटौती को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। दूसरे दिन भी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित कई विधायकों ने विद्युत आपूर्ति की बदतर दशा को लेकर योगी सरकार और खास तौर पर ऊर्जा मंत्री के शर्मा पर निशाना साधा था। विपक्षी नहीं सत्ता पक्ष से जुड़े विधायकों ने भी बेपटरी विद्युत आपूर्ति को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा है। यही नहीं, सुल्तानपुर से भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक विनोद सिंह ने तो 24 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को इस बारे में पत्र तक लिखा है। अब तक बेहतर विद्युत आपूर्ति को अपनी उपलब्धि बताने वाली योगी सरकार इन हमलों से बैकफुट पर आती नजर आ रही है। ऐसे में सरकार ने विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश को देखते हुए यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल ने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को कड़ा पत्र जारी किया है। इसमें शेड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति के बीच होने वाली समस्या की भरपाई रोस्टर के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर पूरी किए जाने का निर्देश दिया गया है। निर्देश है कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालय स्तर पर 21 घंटे 30 मिनट व जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति का शेड्यूल प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है। निर्देश है कि लागू किए गए रोस्टर शेड्यूल को हर हाल में बनाए रखना है। किसी भी क्षेत्र में आपूर्ति के दौरान यदि कोई स्थानीय फॉल्ट के कारण कुछ समय के लिए आपूर्ति बाधित होती है तो उसकी भरपाई रोस्टर कटौती के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जानी चाहिए। शासन स्तर से यह आदेश भले ही लागू किया गया है लेकिन राजधानी से सटे सीतापुर में बिजली की आपूर्ति का बेहद बुरा हाल है। हालांकि अधीक्षण अभियंता कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21 घंटे 30 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली के सप्लाई का दावा किया जा रहा है। लेकिन आई इंडिया के संवाददाताओं ने जिले में बदहाल विद्युत आपूर्ति को लेकर जो रिपोर्ट दी है वह एक अलग ही सच्चाई उजागर करती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीतापुर शहर की। सीतापुर शहर में बमुश्किल 18 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है। बिजली कब आकर चली जाएगी इसका कोई पता नहीं रहता। थानगांव संवाददाता अरुण सिंह के अनुसार थानगांव क्षेत्र में मुश्किल से 4 से 5 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है। 24 घंटे में 12 घंटे से भी ज़्यादा रोस्टिंग होती है, उसके बाद भी फॉल्ट के नाम पर घंटों बिजली गायब रहती है। इस क्षेत्र में रेवसा भमनावा पावर हाउस से बिजली की आपूर्ति होती है। कचनार संवाददाता धनंजय यादव के अनुसार इमलिया सुल्तानपुर इलाके में इमलिया पावर हाउस से 5 या 6 घंटे की बिजली मिलती है। बाकी समय में रोस्टिंग की बात कहकर बिजली विभाग के कर्मचारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। महमूदाबाद संवाददाता आयुष जैन अर्पित शुक्ला के अनुसार महमूदाबाद शहरी क्षेत्र में 2.5 घंटे आधिकारिक कटौती होती है। दोपहर में 1.5 घंटे और सुबह 1 घंटे रोस्टिंग प्रस्तावित है। इसके अलावा इस टाइम रात में भी 0.5 से 1 घंटे कटौती की जा रही है। क्षेत्र में ओवरलोड और फॉल्ट के चलते विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है। नगर महमूदाबाद के मोहल्ला खुदागंज, अमीरगंज, बिलदारी टोला में ओवरलोडिंग के चलते ट्रिप होती रहती है। नगर में पिछले 3 दिनों से रात में लो वोल्टेज के कारण लोग बेहद परेशान रहते हैं। लो वोल्टेज लाइट की आपूर्ति आधी रात तक चलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे भी लाइट मिल जाए तो बड़ी बात है। अब आगे बात करते हैं। अटरिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के अनुसार
अटरिया और उसके आसपास इलाके में बामुश्किल बनौगा पावर हाउस से मौजूदा समय 4 घंटे लाइट की सप्लाई हो रही है। बिजली विभाग के कर्मचारी पूछने पर लाइन में फॉल्ट और रोस्टिंग बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। सदना संवाददाता राजेंद्र सिंह के अनुसार 24 घंटे में अधिकतम 8 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, बाकी समय में रोस्टिंग बनी रहती है। इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सदना पावर हाउस से होती है। बिस्वा संवाददाता अमित जायसवाल के अनुसार बिस्वा तहसील क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बेपटरी है। नगरीय क्षेत्र में कहने के लिए तो 21 घंटे बिजली की सप्लाई होती है, लेकिन नगरवासियों को मात्र 17 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। लोकल फॉल्ट, जर्जर तार और ABC जलने की बात कहकर कर्मचारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में तो स्थितियां और भी खराब हैं। कुछ क्षेत्र में तो 6 से 7 घंटे और कहीं कहीं अधिकतम 10 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। सिधौली संवाददाता राजन भार्गव के अनुसार नगर सिधौली में मौजूदा समय 12 से 14 घंटे ही बिजली की सप्लाई हो रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 घंटे बिजली आ रही है। अब बात करें नेरी हेमपुर संवाददाता अशोक तिवारी के अनुसार तो नेरी कला में बिजली की सप्लाई 8 से 9 घंटे के बीच होती है, लेकिन उसमें भी बार बार कटौती की जाती है। बिजली कर्मचारी कभी यहाँ फॉल्ट कभी बता करके कटौती करते रहते हैं। इस क्षेत्र में भवानीपुर फीडर से सप्लाई होती है। परसेंडी संवाददाता गोविंद गोपाल सिंह के अनुसार परसेंडी क्षेत्र में 4 पावर हाउस से बिजली की सप्लाई होती है, जिसमें हुसैनगंज पावर हाउस से करीब 12 से 14 घंटे, उलजापुर पावर हाउस से लगभग 10 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। कसरैला व तालगांव पावर हाउस से ग्रामीणों को बमुश्किल 8 से 10 घंटे बिजली मिल पा रही है। इतना ही नहीं, इन दोनों पावर हाउस पर लो वोल्टेज की समस्या भी बनी रहती है। अब बात करते हैं मछरेटा संवाददाता अरुण कुमार के अनुसार मछरेटा विद्युत उपकेंद्र से कहने के लिए तो 18 घंटे बिजली दी जा रही है, लेकिन हकीकत में 6 से 7 घंटे ही बिजली की सप्लाई होती है। उसमें भी कई बार आंख बिचौली का खेल चलता रहता है। जब भी विभागीय अधिकारियों को उपभोक्ता फ़ोन मिलाते हैं तो फॉल्ट आने पर बात कहकर टरका दिया जाता है। रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के अनुसार रामपुर मथुरा क्षेत्र में बिजली की सप्लाई बहुत ही खस्ता हाल है। बासुरा स्थित पावर हाउस में 24 घंटे में अधिकतम 4 से 5 घंटे की सप्लाई हो रही है। 24 घंटे में 12 घंटे से भी ज़्यादा रोस्टिंग होती रहती है, उसके बाद भी फॉल्ट के नाम पर घंटों बिजली गायब रहती है। कसमंडा संवाददाता सत्यप्रकाश सिंह के अनुसार विद्युत उपकेंद्र कमलापुर क्षेत्र के उपभोक्ता अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से काफ़ी परेशान है। क्षेत्र में बमुश्किल 7 से 8 घंटे की ही बिजली आपूर्ति हो रही है। मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा के अनुसार मिश्रिक क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से चरमराई हुई है। लाइट कितने घंटे मिलेगी इसकी जानकारी तो विभाग देता ही नहीं है। उमस भरी इस गर्मी में भी नगर और ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। रामपुर कला संवाददाता अजीत सिंह के अनुसार रामपुर कला क्षेत्र में कदुनी पावर हाउस से केवल 6 से 7 घंटे ही बिजली की आपूर्ति की जा रही है। कभी लाइन फॉल्ट तो कभी रोस्टिंग की बात कहकर विभागीय अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य के अनुसार लहरपुर नगर क्षेत्र में अधिकतम 17 से 18 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 12 से 14 घंटे बिजली आती है। ज़्यादातर रोस्टिंग का हवाला देकर कटौती जारी रहती है। मोहली संवाददाता सर्वेश मिश्रा के अनुसार नगर मोहली में यदि लोकल फॉल्ट ना हो तो 20 घंटे और अगर फॉल्ट आ गया हो तो 16 से 17 घंटे बिजली आती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में तकरीबन 12 से 13 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला के अनुसार क्षेत्र में बिजली की सप्लाई की स्थिति काफ़ी बदहाल बनी हुई है। अधिकतम 10 से 12 घंटे बिजली मिल पाती है, अधिकतर जम्फर उड़ते रहते हैं जिससे आपूर्ति बाधित बनी रहती है। सीतापुर में विद्युत आपूर्ति को लेकर अधीक्षण अभियंता राम शब्द ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि बिजली की आपूर्ति फॉल्ट आने पर ही बाधित होती है, अन्यथा शासन के निर्देशानुसार जनपद मुख्यालय में 24 घंटे, तहसील में 21 घंटे 30 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे सप्लाई दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी कटौती होती है वह कंट्रोल रूम से होती है। फिलहाल अब आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और आपके वहां कितनी बिजली मिल रही है, क्या कोई फ़ोन उठता है, अगर फ़ोन मिलाते हैं तो क्या जवाब आता है। फिलहाल कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेते आते रहेंगे। अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।